कृषि का डेफिनेशन जो था बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये डेफिनेशन वही है लेकिन स्पेलिंग बदल गए हैं। बाय द पीपल बी वाई ई बाय द पीपल, ऑफ द पीपल ओ डबल एफ ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल एफ ए आर फॉर द पीपल। नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक टीम के साथ हम खड़े हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका वेग बहुत तीखा और बहुत शांत होता है। दोनों ही चीज़ों को अपने में समाहित करती हुई ब्रह्मपुत्र इस समय बता रही है कि असम में बहुत तेज़ वेग चल रहा है राजनीतिक परिवर्तन का। राजनीतिक सवालों के साथ जूझती असम की जनता मतदान देने जा रही है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। ठीक इससे पहले जो ईवीएम का सवाल है, जो चुनाव आयोग का सवाल है, जो हिंदू ध्रुवीकरण का सवाल है, इन तमाम सवालों से किस तरह से रूबरू हो रहे हैं गुवाहाटी के मतदाता, वह भी ऐसे समय जिस समय सारा का सारा जोर लगा हुआ है भाजपा की तरफ से कि वह सत्ता में वापस आए, और उसी के सामने खड़ी है कांग्रेस और उसके साथ उसके दल जो चाह रहे हैं कि असम में बदलाव हो। इन तमाम सवालों पर इस समय हम बात कर रहे हैं जिस समय चुनाव प्रचार नहीं है, बहुत शांत है गुवाहाटी। आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है मतदाताओं के मन में। अभी 2 करोड़ का रोजगार देने का बात किया था, वो अभी तो कहाँ रोजगार दिया है हम लोग युवा को, सड़क पर छोड़ दिया हम लोग का, अभी उधर उधर भटक रहा है, भटकना पड़ रहा है। 2011 सेंसस के हिसाब से 25 लाख यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो तो अभी काफ़ी बढ़ चुका है, तो उस पर क्या काम हो रहा है, लघु उद्योग पे क्या काम हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स इतने सारे वैकेंसीज खाली है, पुलिस डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसीज खाली है, बहुत सारे खाली हैं वैकेंसी यहाँ पे। आप देख लो रेशियो मिला लो यहाँ पे, किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे भर्तियाँ हो नहीं रही है। एक बार हम आपके जरिए से बोलना चाहते हैं कि मोदी बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं तो पोखरा बेचो, तो हम लोग को हम जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए काम आएगा? हम लोग को जैसे कि आपका फ्यूचर में कुछ करना है तो हम लोग को पहले वो रोज़गार देना है ना, हम लोग को रोज़गार चाहिए। हम लोग को नहीं तो आपका बीए किया, एमएससी किया, बीएससी किया तो उसके लिए फ़ायदा क्या है? पोखरा बेच के ये को काम होगा क्या? वही तो बात हो गया है। यहाँ 5 साल से भाजपा की सरकार है, क्या किया उन्होंने? क्या किया, सब कुछ बेच डाला, आपका जो भी तेल खाते वो भी बेच डाला, उसके बाद रेलवे भी वो भी गया, अभी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बेच रहा है, और क्या हो? बीजेपी से को अब कुछ उम्मीद नहीं हो सकता है। सरकार हम लोगों का अभी परिवर्तन होगा, मतलब हम लोग का जो यूथ जनरेशन है वो सेंस हो जाएगा। ये असम में ही नहीं, किसी भी राज्य का मुद्दा तो शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी वही मुद्दा है, ठीक है। अभी शिक्षा जो है वो सरकारी शिक्षा बहुत ही ख़राब है, ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह कोई ध्यान दिया नहीं गया। एक एक प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक क्लासेस हैं, लेकिन टीचर्स 2 टीचर्स हैं, 1 टीचर्स हैं, ठीक है। लगभग मोर देन 30,000 प्राइमरी स्कूल्स है असम में, लेकिन टीचर्स की बहुत ज़्यादा अभाव है, तो उस पर तो कोई ध्यान दिया जा नहीं रहा है। कितना बाइक का पैसा लगता है? बाइक और पैसेंजर का 7 रुपीस ओनली। हाँ। अच्छा, तो बाय रोड जाएंगी तो कितना टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है? रोड से जाएगा तो हाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। यंग क्या सोच रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, क्या स्थिति है? मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, ऐसा ही है। सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला। कि अपर असम में तो पूरा इस बार काफ़ी चेंज हो चुका है, पहला राउंड का वोटिंग में तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए असम में, अपर असम में, ठीक है, और लोअर असम में भी अभी जो नए 2 पार्टी आई, अखिल गोगोई जी का जो पार्टी है या लुरिन ज्योति जी का जो पार्टी है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है, तो ये प्रभाव तो पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को शिक्षा में काम नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में सही से काम नहीं हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा समस्या है, और जो अब बाकी जो एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी इशू होती है असम के लिए या कोई भी राज्य के लिए, वो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। तो एक चीज़, मोदी जी ने बंगाल जाके कहा कि वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, असम में 5 साल पहले कहा गया था हर एक को नौकरी मिलेगी, कैसे आप शिक्षित हैं, आप इस पे बहुत बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं, कैसे वो 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, देश में नौकरियां हुई नहीं? मतलब एक जुमला है, वो भी एक जुमला है, पहले भी बहुत सारा जुमला दे चुका है और फिर से एक और जुमला है, तो पहले वाला कोई वादा पूरा करो तब तो नया वादा करने में अच्छा लगता है, आपका पहला वाला वादा तो आप फुलफिल करते नहीं हो, फिर एक नया वादा कर देते हो। अभी
डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले हम जब आए थे 2014 में बहुत बुरा हाल था नॉर्थ गुवाहाटी का, अभी तो ऑलमोस्ट 80% सब रोड्स हो गया है, रोड वगैरह एकदम अभी नॉर्थ गुवाहाटी बहुत ही डेवलप हो रहा है पहले से, माने 14 से अभी बहुत हुआ है। उसका हेल्थ बस थोड़ा सा पीछे है, जो जैसा मेडिसिन के लिए जाते हैं पेशेंट तो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता प्रेस्क्रिप्शन से सिवा, तो सरकार से कुछ भी तो उन लोगों में इतना दूर दूर से आता है मेडिकेशन ओनली प्रेस्क्रिप्शन के लिए नहीं है, प्रेस्क्रिप्शन मिल जाता है उन लोगों को, जो रियली मेडिसिन चाहिए उन लोगों को नहीं मिलता, इतना दूर से आता है फिर मेडिसिन खरीदना। उन लोग कहते थोड़ा सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए तकलीफ होता है तो सरकार वो तकलीफ समझ रहे तो अच्छा। टाउन में सब 80% बीजेपी बोल रहे, लेकिन इंटीरियर में टी गार्डन वाले वो ज़्यादा बीजेपी से खुश नहीं है, तो जो लोग अब टी गार्डन वाला वगैरह थोड़ा सा नाराज हो रहे थे, मतलब बीजेपी उन लोग के लिए कुछ नहीं किया, उन लोगों पे इंक्रीज नहीं किया, उनका प्रे बहुत ही कम है ऐसे उन लोगों का कहना है, और जो भी है मतलब कंपेयर टू अदर डेली वेजेस जो है उन लोगों पाते हैं वो नॉर्मल डेली वेज से बहुत ही कम है उन लोगों का। क्या काम करते हैं आप? हम तो दुकानदार है, और अभी तो बीजेपी में बीजेपी ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को UDF को और जो आम आदमी पार्टी का यही क्यों मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा नहीं काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। हमारा हम तो ग्रेजुएट है, अभी हम दुकान चला रहा है, हम सब्जी व्यापार और फल मूल यही काम करते हैं। हम 2014 से ग्रेजुएट किया है, लेकिन अभी तक कुछ नौकरी वकरी कुछ नहीं है, लेकिन खुद को ये करना पड़ेगा। हाँ, ये जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव सिर्फ पोलराइजेशन पर ही चुनाव हो रहा है, कोई कुछ भी कहें बाहर में कुछ भी कहें, लेकिन बात यही है जी पोलराइजेशन जितना करें दोनों तरफ से ये पोलराइजेशन की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें देखिए इसमें देश का कोई भला नहीं होने वाला है, जिस तरह से अभी चुनावों के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उम्मीदवार का जो चरित्र है जो समाज में उनका स्थिति है वो देख के या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई दल हो, इसका जिस उम्मीदवार को इन लोगों ने खड़ा किया है इससे साफ जाहिर है जो किसी ने जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी क्या लगता है कि ये मुद्दा रहेगा चुनाव में, लोग वोट देंगे? लोग तो हमारा जालुक बारे में हिमंत बिश्व शर्मा को देगा लोग, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा हम जालुक बारे में बहुत सारे काम किया है, लेकिन आज तक वो जब कांग्रेस थे तब यहाँ पर आ करते थे, लेकिन बीजेपी जब बीजेपी में गया एक दिन भी नहीं आया अभी तक। आसाम में अभी जो चल रहा है पीपल्स का बीच में गठबंधन का धूप सांसद से वेरी ब्राइट बहुत उज्जवल हो गया है, तीन कंटेस्ट हो रहा है फिर भी अभी जो थर्ड फेज हो रहा है इलेक्शन सेकंड फेज हो गया अप्रैल फास्ट में, इसमें भी महाजोत आसाम में महाजोत होता है गठबंधन महाजोत ये महाजोत गठबंधन का सांसद वेरी गुड, सो आई थिंक इस टाइम ये बीजेपी और उन लोग का साथी लोग का जो गवर्नमेंट पावर में है उन लोग हाउस के कम पावर इलेक्शन कमीशन लोग का जो इम्पार्शियलिटी वी है बिग क्वेश्चन मार्क नाउ on the rule of the election commission in Assam, because some EVMs are found in the hands of the unofficials. They are not officially election commission's officials. इस समय असम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर का यानी नागरिकता संशोधन कानून एक निर्णायक तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर शिक्षा और नौकरी का जो वादा था वह एक बड़ा मुद्दा रहेगा, या जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो अपना करिश्मा दिखाएंगे। हम इस समय खड़े हैं एक फेरी में, यह फेरी गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ती है, इसमें बड़ी संख्या में लोग रोज़ आते हैं, बहुत ही कम किराया है इसका, यहाँ पर
इस इलाके में हेमंत बिस्वा का नाम है। वे बात हेमंत बिस्वा की ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दोहराते हैं कि असम में हिंदू मुसलमान नफरत का कार्ड चलना मुश्किल है। वे नहीं चाहते कि कोई भी इस राज्य से बाहर जाए। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय आसाम की राजनीति में है कि एक तरफ यहाँ का जो मतदाता है वह नफरत के पक्ष में नहीं खड़ा, लेकिन जो उनके नेता हैं वह नफरत की बात करते हैं। ऐसे में असम किस तरफ रुख करेगा, क्या बदलाव आएगा, या जो काम रहा है दूसरे ढंग का उसके पक्ष में लोग खड़े होंगे, यह इस समय ब्रह्मपुत्र पे खड़े होकर शायद यहाँ का मतदाता स्पष्ट रूप से कह रहा है। Thank you.